गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो निगम फैमिली निकल रही है एक और नए एडवेंचर पर, तो चलिए आप भी हमारे साथ हो जाइए। तो ये हमारी कार मूव हो चुकी है बिल्कुल हमारे घर के पास से, और आप हमारा कैंपस भी देखते रहिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ग्रीन है। और आगे मैं आपको बताऊँगी हम आज कहाँ जाने वाले हैं। तो हम जाने वाले हैं नरहरा फॉल। ये देखिए हमारा कैंपस कितना सुंदर लग रहा है। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आपको देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए गेट तक हम चलते हैं और उसके बाद जो है हम आगे की ट्रिप की बात करते हैं। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 6 और फॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम लोग बिल्कुल इंतज़ाम से निकले हुए हैं, एकदम गर्म कपड़े हम लोगों ने पहन लिए हैं और कार भी बिल्कुल हमें धीमी चलानी है क्योंकि फॉग में बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है कि आगे हमारे कौन हैं। तो चलिए हमारा सफ़र शुरू करते हैं हम नरहरा फॉल के लिए। इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड इसलिए अभी नहीं कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को हमारा कैंपस भी बहुत पसंद आता है और वो उसकी भी वीडियो देखना चाहते हैं कि वो कितना सुंदर है। तो वही मैं आप लोगों को हमारे घर से पूरा गेट तक का व्यू दिखाती हूँ। जैसे ही हम गेट पर पहुँचेंगे तो पहुँचते से ही बिल्कुल हाईवे लग जाएगा और वहाँ से हमारी नरहरा फॉल की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं हाईवे पे। तो इस गेट के बाद हो जाएगा हमारे कैंपस का एंड और हम जो सीधे पहुंच जाएंगे हाईवे पे और शुरू कर देंगे हमारी जर्नी। तो गणपति का नाम लेके हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। रास्ता अभी तो यहाँ से क्लियर है, हमको सन भी थोड़ा नज़र आ रहा है, पर ये कुछ ही दूर तक ऐसा माहौल रहेगा, उसके बाद जो है हमें पूरा ही फॉग का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं नरहरा फॉल के बारे में। तो ये जो है धमतरी से आपको 14 किलोमीटर आगे कुकरैल गांव मिलेगा, वहां से अगर आप बाएं तरफ मुड़ जाते हैं उसके बाद आपको 20 किलोमीटर और चलना है और वहां आपको जो है नरहरा डैम मिल जाएगा। रास्ते में हम कुछ मस्ती भी करते जा रहे हैं, ये एक रील है उसका हमने वीडियो भी इसमें अटैच कर रखा है। तो अगर आप रायपुर से नरहरा फॉल जाना चाहते हैं तो वो 98 किलोमीटर आपको पड़ेगा, तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे आपको रायपुर से लग जाएंगे। तो और अगर मौसम थोड़ा छुट्टियों वाला है और या फिर सर्दियों वाला है तो आपको जो है गाड़ी स्लो भी चलानी पड़ेगी, हम 3 घंटा मान के चलते हैं। हमने रास्ते में एक जगह गाड़ी रोक रखी है और यहाँ पर हम करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। सारा कुछ सामान जो है हमने अपनी कार में ले लिया है, हम और पटनायक फैमिली, हम लोग 2 फैमिली मिलकर जा रहे हैं वहाँ पे। और हमने ये सब सामान इसलिए लिया है कि आपको धमतरी में तो ढाबे रेस्टोरेंट मिलेंगे पर उसके आगे जो है कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। ये रही मैं थोड़ी मस्ती करती हुई और ये मेरे हस्बैंड, ये मेरी डॉटर है जो भी बहुत ज़्यादा मस्ती खोर है। तो चलिए हमने जो है ब्रेकफास्ट अभी कर लिया है और अब हम दोबारा यहाँ से जर्नी अपनी शुरू कर देंगे। तो जब भी आप भी जाइए तो आप हो सके तो अपना खाना लेकर जाइए या रास्ते से पैक करा लीजिए। तो इस तरीके से हमने अपनी ये देखिए जर्नी जो स्टार्ट कर दी है और उसके बाद आप देखेंगे जिस फॉग की मैं बात कर रही थी कितना ज़्यादा यहाँ पर फॉग है। तो आपको बहुत ही गाड़ी आराम से संभाल के चलानी है, बिल्कुल भी आगे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है कि क्या है सामने और क्या नहीं है। तो बहुत ही स्लोली और आराम से हम जाएंगे। तो जैसे मैं बता रही थी कि रायपुर से आपको जो है 2.5 से 3 घंटे में आप नरहरा फॉल पहुंच जाएंगे और ये ज़्यादा वेल नोन फॉल नहीं है तो इसलिए आपको वहाँ पे क्राउड नहीं मिलेगा अगर आप लेस क्राउडेड जगह पसंद करते हैं। हमने ये हमारे कार के अंदर का वीडियो है, थोड़े हमने उसमें भी वीडियो बना रखे हैं मस्ती करते हुए। और आप अगर धमतरी जा रहे हैं तो वहाँ से या तो आप खाना अपने रास्ते के लिए पैक करा लें
क्योंकि आगे जाने के बाद नरहरा फॉल पे आपको चाय वगैरह कोई अगर छोटी शॉप खुली होती है तभी मिलती है, वो भी गांव वालों की शॉप होती है। तो अगर वो लगाते हैं तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं शॉप लगाते हैं तो आपको चाय भी वहाँ पे नहीं मिलेगी। और लेस क्राउडेड वो जगह है, तो अगर आपको ऐसी जगह पसंद है तो आप इस प्लेस को चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए धमतरी से आज तक या उससे आगे जब आप निकलते हैं तो रास्ता काफ़ी सही होता है, लेकिन आप जैसे जैसे फॉल के पास पहुंचेंगे तो रास्ता थोड़ा कच्चा हो जाता है। ये देखिए नरहरा फॉल का के पास हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे 50 रुपये का आपको जो है एंट्री टिकट कटवाना होगा। ये गांव के लोगों ने गवर्नमेंट के साथ मिल के एक चेक पॉइंट यहाँ पर बनाया है, तो यहाँ 50 रुपीज़ का चार्ज दे के आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ एक साइड में बोर्ड भी आप देख रहे हैं लगा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है कि नरहरा वाटरफॉल में आपका स्वागत है। तो हमने अपनी दोनों कारों की टिकट ले ली है और अब हम आगे जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रास्ता थोड़ा कच्चा हो जाएगा यहाँ से, बट फिर भी आप बाइक या कार से आसानी से यहाँ पर चल सकते हैं। तो इस तरीके का रास्ता है। और देखिए अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं फॉल के आसपास। तो जैसे ही आप फॉल के एकदम पास पहुंचेंगे तो एक गेट आपको और मिलता है, तो जैसे ही आपको वो दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि आप फॉल के पास पहुंच गए हैं। और साइड में बहुत बड़ी जगह है कार पार्किंग के लिए, एकदम फॉल के जस्ट पास में है। टॉयलेट वगैरह भी वहाँ पर बना हुआ है। और अगर आप चाहें तो खाना बनाने का आप कुछ सामान लेते हैं तो आप आराम से वहाँ पे खाना भी बना सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी खुली जगह है और पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट है। तो हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, अब हम फॉल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ये बारिश का मौसम नहीं है, अदरवाइज़ फॉल यहाँ से ही पानी बह रहा होता जहाँ पे हम चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जनवरी का मंथ है तो उतना फॉल नहीं है, लेकिन आगे जब हम नीचे जाएंगे तो काफ़ी अच्छा फॉल हमें नज़र आया। जहाँ पे हम अभी चल रहे हैं यहाँ पे भी बारिशों में जब 3-4 महीने यहाँ पर भी पानी बहता है। तो हम जैसे यहाँ से चल के गए तो सबसे पहले तो हमें कॉर्नर पर मंदिर दिखा है, देखिए दिख रहा है वो शंकर जी का मंदिर है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, उसका रास्ता ऊपर से ही है। और हम नीचे जा रहे हैं और ये रही मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हुई। तो देखिए मेरे जस्ट पीछे वो जो है वो फॉल है, और अभी दूर से आपको काफ़ी छोटा लग रहा है लेकिन अभी हम जब नीचे जाएंगे तो काफ़ी बड़ा फॉल है। और देख रहे हैं आप कुछ भी क्राउड नहीं है यहाँ पे, हम दो फैमिलीज़ के अलावा कोई नहीं है। नीचे आ गए हैं हम, ये रहे मेरे हस्बैंड, और ये रहा फॉल का जो पानी है पूरा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ पे देखिए रॉक्स जो हैं काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं, और इंस्ट्रक्शन सारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिख रखे हैं कि आप वाटरफॉल में कुछ मत फेंकिए और इसमें कूदिए भी मत क्योंकि नीचे भी बहुत रॉक्स हैं। और यहाँ पे टेंपल है और किसी भी तरह की आप गंदगी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ये रही मेरी डॉटर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक पूरा बैक व्यू, देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, एकदम फ़ोटो लेने का एकदम बहुत बढ़िया पॉइंट है। और आप सुबह सुबह पहुंच जाइए, बिल्कुल भी कुछ क्राउड यहाँ पे होता नहीं है, आप आराम से घूमिए और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, थोड़ा पानी का मज़ा ले सकते हैं। और अभी धूप भी नहीं आ रही है, यहाँ पे गर्मी भी नहीं लग रही है, जनवरी के मौसम में एकदम परफेक्ट जो है एटमॉस्फेयर है और फ़ोटो खींचने के लिए बहुत अच्छी जगह है और लेस क्राउडेड है, जो मुझे सबसे अच्छा लगा। तो कई मैंने ऐसे वाटरफॉल के जो वीडियो लिए हैं आप लोगों के लिए, तो मैं आपसे जस्ट यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे रुके, बहुत सारे वीडियो रील्स फ़ोटोज हमने लिए हैं, कुछ फ़ोटो मैं आपको अभी शेयर भी कर रही हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप भी उस तरह के हैप्पी मोमेंट वाले जो है पिक क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ मैं पिक्स की भी फ़ोटो डाल रही हूँ। और ये रहे मेरे हस्बैंड, इनको कोई ये जंगली कैक्टस मिल गया है,
पेड़ों का इन्हें बहुत शौक है, तो ये वहाँ पड़ा हुआ था तो अभी उठाकर ला रहे हैं और हमारे घर पे इसे वापस रीप्लांट किया जाएगा और इसे वापस लाइफ दी जाएगी। तो सेव एनवायरनमेंट। चलिए ये जा रहा है हमारी कार में। हाँ, तो मैंने आपको बात की थी, मैं आपको पोज बता दूंगी कुछ, तो इस तरीके के ये पोज हैं। अगर आपको पसंद आए पिक्स के तो आप भी अपनी फैमिली के साथ ये ले सकते हैं, तो देखते जाइए। तो ये नरहरा फॉल का पार्ट वन जो वीडियो था, और पार्ट सेकंड इसके बाद मैं जस्ट डालने वाली हूँ, जब हम फॉल से ऊपर गए तो क्या हुआ और हमने स्पेशल क्या किया वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मस्ती भरा पार्ट था जब हम यहाँ आए और हमने कैसे अपने में इस न्यू ईयर के पिकनिक में एक न्यू एलिमेंट ऐड किया, तो वो आप ज़रूर देखिए। और जब आप जाएंगे नरहरा फॉल तो आप भी कुछ इसी तरीके का हमारी जैसा ही प्लान कीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें मज़ा आएगा। तो ज़रूर देखिएगा इसका सेकंड पार्ट और उसमें देखिएगा कि हमने कैसे मस्ती की है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ पिक आपको शेयर कर रही हूँ, पसंद आए तो आप भी ऐसे पिक लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को अभी हम यहीं ख़त्म करते हैं, 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें शेयर करेंगे कि हमने और यहाँ आसपास क्या क्या एक्सप्लोर किया और हम कहाँ कहाँ गए, तो देखते रहिए इसके आने वाले पार्ट्स को। तो चलिए, आप सब अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।